नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। हमारे पैर का नाखून एक सुंदरता का प्रतीक है कि किसका नाखून कैसे है उसके ऊपर उसका पैर का सुंदरता निर्भर करता है। और इस नाखून की वजह से कभी कभी किसी को मुश्किलें भी आते हैं। कैसे? अगर देखे पैर में, ये नाखून जो है इसका दोनों तरफ थोड़ा सा चमड़ी के अंदर होता है। बहुत समय देखा गया है कि बहुत जना का ये कोना बहुत ज़्यादा ही चमड़ी के अंदर घुसा हुआ है। ऐसे स्थिति को हम बोलते हैं इनग्रोइंग टोनेल। और इनग्रोइंग टोनेल अगर किसी का है तो उनके लिए काफ़ी पेनफुल है, क्योंकि नेल जब बड़ा होता है और उसका कोना धीरे धीरे चमड़ी के अंदर घुसते रहते हैं, मांस के अंदर घुसते रहता है और उसमें इंजुरी करते रहते हैं और वो पेनफुल हो जाता है। कभी कभी इनग्रोइंग टोनेल इस इंजुरी के कारण से वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो जाता है और काफ़ी मुश्किल सामना करना पड़ता है पेशेंट को। तो अगर आपका नेल में ऐसा स्थिति है तो ज़रूर इसका इलाज करा लीजिए, क्योंकि इनग्रोइंग टोनेल अगर आप खुद अपने घर पे नेल कटर से काट के ठीक करने का कोशिश करेंगे तो कभी नहीं होगा। उसका कारण यही है कि हमारा जो नेल है, जो दिखते हैं सामने ये सारा हिस्सा, ये डेड है, ये लाइव नहीं होता है। और इस बेस में जहाँ पे स्किन होता है, उस स्किन के नीचे नेल बेड होता है जहाँ से नेल ग्रो करता है। सो बेसिकली जिसका इस नेल बेड ग्रो का हिस्सा बहुत नीचे तक, अंदर तक होता है, कोने तक होता है, उसी का नेल ग्रो करके आगे चमड़ी के अंदर घुसता है। सो बेसिकली इस तरह का अगर इनग्रोइंग टोनेल है उसमें इलाज है कि उस कोने का जो हिस्सा जहाँ से एक्स्ट्रा नेल ग्रो कर रहे हैं उस हिस्से को हटाना है, तभी जाके आपका इनग्रोइंग टोनेल ठीक हो सकता है। हम रखें आपका ख्याल।